हाँ बताओ, कभी बॉम्बे आए कभी? एक प्रॉक्सी दूल्हा है और एक दूल्हा है जिसको हम अभी दिखा नहीं सकते। हाँ दिखा, दूल्हे दूल्हे हैं, दूल्हे ही दूल्हे हैं, और इसीलिए क्रेजी बारात, इसलिए क्रेजी बारात है। अच्छा, कौन किसको सही मानता है, कौन किसको गलत मानता है? सही तो मैं ही हूँ ना। नहीं, इससे ये तो हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा सही हो सकता है मेरे अलावा कोई नहीं। मैं ही लग रहा हूँ अभी। अब ठीक है, ये इनकी थोड़ी सी गुंडागर्दी है। नहीं, गुंडागर्दी नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं दूल्हा हूँ इतना मैं जानता हूँ। अब देखिए, ये देखो। अच्छा, आज यहाँ पर किस तरह की धमाल मस्ती होने वाली है? क्या दूल्हे भी डांस करते हुए दिखेंगे हमें? नहीं, मुझे लग रहा है कि हम लोग अपना घोड़ा तो मैं भगा ही ले जाऊंगा। अच्छा क्या, अच्छा रेस लगने वाली है? मतलब दोनों दूल्हे में रेस नहीं लगने वाली है? दोनों दूल्हे बाइज्जत घोड़ी पे बैठ के जाएंगे, आगे तक जाएंगे प्रमोशन इवेंट है। किसकी बारात हो किसकी, लेकिन देखिए पता चलेगा दुल्हन कौन लेके जा रहा है 28 तारीख को। उसके लिए आप लोगों को सिनेमा घर पे आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बड़ी फन और धमाल वाली फिल्म है, बहुत मजा आने वाला है। पूरे परिवार के साथ जाके आप देख सकते हैं। हाँ, बच्चे बूढ़े और जवान, बच्चे बूढ़े, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, जरा सी एम्बेरसमेंट ऑकवर्डनेस नहीं होगी। और जैसी ये शादी है, एक्चुअली एक्चुअल में भी ऐसी एक नहीं 10-5 इंसिडेंट मुझे मालूम है जिसमें शादी जाती है होने कहीं और, हो जाती है कहीं और, पता नहीं कितने कन्फ्यूजन होते हैं ऐसे रियल लाइफ में होती हैं। तो इसका जब आइडिया, तो मुझे ही लगा कि हम लोगों, सत्या हम सब लोगों ने इसको मिलके कर डाला। अच्छा, कहा जाता है कि शादी का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है, नहीं खाता है वो भी पछताता है, तो यहाँ पर खाए बिना दोनों पछता रहे ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अभी लड्डू खाए नहीं, लड्डू खाने के लिए तरस रहे हैं हम लोग। 28 तारीख को पता चलेगा कि लड्डू खाया है कि नहीं खाया है। अभी पछताना पछताना सोच ही नहीं रहे हैं, पहले अभी तो बस खुशी है। शादी के पहले की जो खुशी होती है वो है बस, अभी पहले सिर्फ खुशी मनाना चाहते हैं, पछताना बाद में देख लेंगे, पहले करवा दो। थोड़ा पीछे, अरे एक मिनट चल करो यार, चलो
1500 का नोट दे, 10 का नोट दे। Thank you.
मालूम है।